दोस्तों मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को दो बाइक्स दिखाने वाला हूं जो कि रॉयल इनफील्ड की सबसे ज्यादा हिट बाइक है। दोस्तों एक तरफ आप लोग देख सकते हैं ये है रॉयल इनफील्ड सुपर मेटेओर 650 जो कि बिल्कुल ही नई बाइक है। रॉयल इनफील्ड की अब तक न्यूली लॉन्च है एंड 650 सीसी की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक है अब तक यही है दोस्तों। एंड दूसरी तरफ हमारी मेटेओर 350 जो कि एक 350 सीसी की अपने आप में एक पावरफुल बाइक है। ये दोनों ही बाइक जो है दोस्तों एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, एक दूसरे के ऊपर जो है दोस्तों काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ये दोनों बाइक, क्योंकि वो एक 350 सीसी की बाइक, ये है 650 सीसी की बाइक। लुक्स ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर हैं, जो फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आप लोगों को मिलते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मेटेओर 350 ले कि भाई सुपर मेटेओर 650 ले, तो इन दोनों का जो डिफरेंसेस हैं वो काफी सारे आप लोगों को मिलते हैं तो वो मैं आप लोगों को बताने शुरू करता हूं। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ऊपर के जो ओवरऑल फीचर्स जो डिफरेंसेस आप लोगों को मिलते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों से बात जो है वो करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सुपर मेटेओर 650 की। आप लोग इसके टायर्स देखेंगे, इसके जो टायर्स हैं दोस्तों वो बिल्कुल ही अलग हैं। सबसे पहले आप लोग डिजाइन देखिए, पैटर्न देखिए इसका, आप लोगों को ऐसा जो डिजाइन है वो देखने को मिलेगा एंड इसका डिजाइन आप लोगों को कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं एक टायर आपको पहले बताने लग गया, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, वो है दोस्तों कि ये दोनों ही जो वेरिएंट हैं ये मिड वेरिएंट है। जैसे कि आप लोगों को पता दोस्तों सुपर मेटेओर 650 में भी तीन वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं एंड मेटेओर 350 के अंदर भी हमें तीन वेरिएंट जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही वेरिएंट में हमें तीन वेरिएंट जो है देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक मिड वेरिएंट है, ये भी एक मिड वेरिएंट है। तो चलिए कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हम बात कर रहे थे टायर्स के बारे में। दोस्तों जो इसके अलॉय आप लोग देख सकते हैं, इसका डिजाइन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नया देखने को मिलता है। इसका डिजाइन अब रॉयल इनफील्ड ने चेंज कर दिया है, अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही नए डिजाइन के साथ आप लोगों को इसके अलॉय देखने को मिलेंगे। एंड ये है दोस्तों इसका मेटेओर का अलॉय, आप लोग देख सकते हैं इसका डिजाइन आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो दोनों के जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं कि किस कौन सा वाला ज्यादा आप लोगों को ज्यादा बढ़िया लगता है। इसके बाद बात करते हैं इनकी ब्रेकिंग के बारे में। दोस्तों आप लोग इनके जो डिस्क ब्रेक है वो डिस्क पैडल आप लोग देखेंगे, इसमें हमें फ्रंट में 300 mm का डिस्क पैडल देखने को मिलता है एंड इसके अंदर हमें 320 mm का डिस्क पैडल देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा ब्रॉड है, काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा डिस्क पैडल है दोस्तों, इसका आपको वीडियो में देखने में छोटा लग रहा होगा। दोनों के अंदर हमें बाइब्री की ब्रेकिंग मिलती है, दोनों के अंदर हमें ड्यूल डिस्क में ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलता है। अब जो ड्यूल डिस्क ड्यूल चैनल ABS मिलता है तो रियर आप लोगों को एक बार इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखेंगे दोस्तों सुपर मेटेओर 650 के अंदर हमें रियर में 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी हमें डिस्क ब्रेक इसकी देखने को मिलती है रियर वाली। रियर भी अगेन इसके अंदर हमें बाइब्री की देखने को मिलेगी एंड वो है दोस्तों मेटेओर 350 की डिस्क ब्रेक जो कि हमें 270 mm भी देखने को मिलती है जो कि इसके कंपैरिजन में छोटी है लेकिन वो भी हमें बाइब्री की मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी रियर में आप लोगों को लुक दिखा चुका हूँ, अब बात करते हैं रियर टायर के बारे में। तो रियर टायर दोस्तों बहुत ही अलग प्रोफाइल का हमें देखने को मिलता है। सुपर मेटेओर के अंदर हमें रियर टायर 150 सेक्शन का देखने को मिलता है, 150/80/16 सेक्शन का हमें देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों मेटेओर 350 के अंदर हमें 140/70/17 का जो हमें रियर टायर है वो देखने को मिलता है, तो उसके अंदर हमें फ्रंट टायर 19 मिलेगा, रियर टायर हमें 17 मिलेगा, उसके अंदर हमें फ्रंट टायर 19 मिलेगा, रियर टायर हमें 16 मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टायर है दोस्तों, बहुत बड़ा टायर उसके अंदर हमें रियर में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेटेओर 350। तो उसके आगे दोस्तों मेटेओर 350 काफ़ी कॉम्पैक्ट सी बाइक लग रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत बड़ी, बहुत मस्कुलर बाइक है दोस्तों, वो बहुत बड़ी बाइक है जो कि हमें देखने को मिलती है, ये उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है। वैसे ये भी काफ़ी बढ़िया बाइक है लेकिन ये उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हमें छोटी है, कॉम्पैक्ट साइज की बाइक देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड सस्पेंशन की बात कर ले तो इसमें हमें जो फ्रंट में USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन होते हैं, काफ़ी बढ़िया जो सस्पेंशन है वो होते हैं। एंड रियर में हमें दोनों बाइक में ऑलमोस्ट सिमिलर सस्पेंशन देखने को मिलते हैं लेकिन जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो इसकी ज़्यादा बेटर है, इसको ज़्यादा अपग्रेड किया है रॉयल इनफील्ड ने इस बार। वैसे दोनों में हमें ट्विन शॉक सस्पेंशन जो रियर में देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें दोस्तों मेटेओर 350 के फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसमें हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि बेसिक से सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया ये वाले होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे एक बढ़िया फीचर के बारे में जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है दोस्तों इन दोनों ही बाइक की हेडलाइट। दोस्तों सुपर मेटेओर 650 में कंप्लीटली फुली LED लाइट देखने को मिलती है, आप लोग देख सकते हैं, एंड इसके अंदर हमें एक बल्ब वाली हेडलाइट देखने को मिलती है एंड इसके अंदर हमें एक DRL देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें DRL नहीं मिलता है, जब ये बाइक स्टार्ट होती है तो ये पूरी लाइटें जो है ऑन हो जाती हैं एंड ये जब स्टार्ट होती है तो उसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। बाकी इंडिकेटर्स दोनों के बिल्कुल सिमिलर हैं, हैज़ार्ड्स का ऑप्शन आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि इसमें मिल रहा है इसमें नहीं मिलेगा, आप लोगों को दोनों बाइक्स में हैज़ार्ड्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। एंड जो इंडिकेटर्स हैं दोनों बाइक्स के हमें हैलोजन बल्ब वाले देखने को मिलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा पीछे बढ़ेंगे आप लोग, इनके फ्रंट से आप लोगों ने लुक जो है चेकआउट कर ही ली होगी, आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ।
थोड़ा सा हम लोग पीछे बढ़ेंगे, बात करेंगे इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सुपर मीटियोर के आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया है, वही सेम मीटियोर वाला ही देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दी गई है जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग था रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अंदर, जो कि है एक ट्रिपर नेविगेशन। तो ट्रिपर नेविगेशन इस बार आप लोगों को सुपर मीटियोर 650 के अंदर देखने को मिलेगा। जो मीटर है दोस्तों ये सिमिलर वही आप लोगों को मिलेगा, सेम वही, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आप लोगों को 160 की स्पीड मिलती है सिर्फ मीटियोर के अंदर। मैं आप लोगों को उधर जाके एक बार दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मीटियोर के अंदर हमें ओनली 160 की टॉप स्पीड देखने को मिलती है, मीटर वही है बिल्कुल सेम। एंड सुपर मीटियोर के अंदर हमें जो टॉप स्पीड मिलती है वो 200 की मिलती है, इसमें 180 और 200 जो है ऐड कर दिया गया। बाकी फीचर दोनों के बिल्कुल सिमिलर है, इसमें हमें गियर शो करेगा, टाइम शो करेगा, किलोमीटर शो करेगा, डिजिटली फ्यूल गेज दिखाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप एफ इसके अंदर हमें शो करता है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि हैंडल के बारे में, तो दोस्तों आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो सुपर मीटियोर का हैंडल है वो कितना ज़्यादा बड़ा एंड कितना ज़्यादा मैसिव आप लोगों को मिलता है। मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा, यहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ ख़त्म हो रहा है, वहीं इसका जो हैंडल है वो कितना ज़्यादा छोटा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। फीचर बिल्कुल सिमिलर है, स्विचेस बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है सब कुछ। एंड बात करते हैं इनके फ्यूल टैंक के बारे में, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस सुपर मीटियोर का जो फ्यूल टैंक है वो कितना ज़्यादा मैसिव है, कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यह दोस्तों अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक 15.7 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ हमें ये मिलता है। एंड मीटियोर का हमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस वन दिस इज़ स्मॉल, ठीक है। एंड इसके टैंक की बात करें आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का इसमें लोगो ऐसा मिलता है इसके मिड वेरिएंट में, एंड इसके मिड वेरिएंट में आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है वो ऐसा मिलता है। अब टू बी ऑनेस्ट ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। बाकी इंजन अब तक का सबसे बड़ा इंजन, मैसिव इंजन है रॉयल एनफील्ड का, 650 सीसी का इंजन है, इसमें आप लोगों को 350 सीसी का इंजन मिलता है। पावर फिगर्स दोनों की आप लोगों की स्क्रीन पर लिखी आ रही होंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ये निकालती है दोस्तों 46 bhp की पावर, एंड ये निकालता है 20 bhp की पावर, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पे गियर देख सकते हैं, इसके गियर आप लोगों को काफ़ी आगे की तरफ देखने को मिलते हैं, आप लोगों को आगे की तरफ पैर रखना पड़ेगा इसको राइड करते हुए। एंड इसमें उतना पैर इतना ज़्यादा आगे नहीं है, इसमें थोड़ा सा पीछे है, हालांकि है इसका भी आगे, लेकिन इसका इतना ज़्यादा नहीं है आगे, उसमें बहुत ज़्यादा आगे आप लोगों को पैर रखना पड़ेगा दोस्तों। बाकी साइलेंसर आप लोगों को इसके अंदर दो मिलते हैं, बाकी इसके अंदर आप लोगों को एक ही मिलता है। सीट की बात कर लेते हैं, इसमें आप लोगों को फ्रंट सीट दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, ऑलमोस्ट कुशनिंग कंफर्टेबल दोनों है, इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है रियर पिलियन वाली, इसमें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट आप लोगों को नहीं मिलती है। इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एंड इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं है, थोड़ी सी स्टिफ है ये, इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इसमें आप लोगों के पीछे एक बैकरेस्ट भी दिया जाता है जो कि आप लोगों को साथ ही मिलेगा रॉयल एनफील्ड का, ठीक है। आप लोग जैसे कि चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी बैकरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर आप लोग इसमें बैकरेस्ट लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को एडिशनली पे करना पड़ेगा उसका। टेल लाइट दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों की टेल लाइट में, दोनों ही आप लोगों को कम्प्लीटली LED टेल लाइट जो है वो देखने को मिलती है। रियर मडगार्ड में बहुत ज़्यादा चेंज है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्रॉड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ब्रॉड है ये वाला, एंड ये इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं आप लोगों को मिलता, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है ये। बाकी इंडिकेटर जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को बिल्कुल सिमिलर मिलते हैं, एंड जो चेंजेस है रियर में वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो आप लोगों को अभी तक शायद नहीं पता होगा, वो है इनके एग्जॉस्ट में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सुपर मीटियोर का जो एग्जॉस्ट है उसका जो होल है वो कितना छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब आप लोग देखिए मीटियोर का ये है, मीटियोर का होल कितना ज़्यादा बड़ा दिया गया है एग्जॉस्ट का, एंड इसका होल उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा हमें देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है इनके दोनों ही एग्जॉस्ट में, ठीक है। इसके दोनों एग्जॉस्ट इसी तरीके के हैं, एंड इसकी ये है। साउंड की बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से, साउंड में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। मीटियोर 350 की साउंड है काफ़ी ज़्यादा बेसी है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, एंड जो सुपर मीटियोर की साउंड है वो इससे भी ज़्यादा लाउड है, इससे भी ज़्यादा बेसी सी साउंड आप लोगों को देता है, ठीक है। दोनों की साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात कर रहे थे इनकी प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों अगर मैं इनके ओनर प्राइसेज आप लोगों को सीधा सीधा बता दूं, तो ये ओनर दिल्ली में आप लोगों को कॉस्ट करती है 2,30,000 रुपये, एंड ये आप लोगों को ओनर दिल्ली कॉस्ट करती है 4,15,000 रुपये। तो इनकी जो दोनों के प्राइसेज में आप लोगों को जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट इतना प्राइस देखने को मिलेगा कि एक बुलेट 350 स्टैंडर्ड या आप लोग एक ऐसी हंटर भी ले सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 1,85,000 रुपये से लेकर 1,90,000 रुपये का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस रेंज में, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों, कोई 30-40,000 का डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 2,00,000 रुपये का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा इन दोनों ही बाइक में। एंड जो फीचर्स है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं इनके वेट की, दोस्तों ये आप लोगों को ऑलमोस्ट 250 किलो की बाइक देखने को मिलती है, इसका वेट 250 किलो है, एंड इसका जो वेट है वो 180 kg के आसपास है, तो इनके वेट में भी अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी इनकी डायमेंशन, सीट हाइट, कर्व वेट, वो सब आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा, वो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी डिफरेंसेस थे इनके सब आप लोगों को बता दिए हैं फटाफट से, एंड ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया दोस्तों आप लोगों का। आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेटिव जरूर मिला होगा इस वाली वीडियो से, तो अगर आप लोगों को वाली वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो,
कुछ आप लोगों को सीखने को मिला हो, कुछ नया आप लोगों को पता लगा हो, तो जरा एक लाइक जरूर दबा देना दोस्तों बटन। एंड चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप लोग आए हो, तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड, मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।